सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अवस्थी है और आज मैं आपके सामने साइंस के वो टॉप 45 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि अभी पुलिस की ऑफिशियली वेबसाइट में लॉन्च किए गए हैं। और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस में जो आगामी परीक्षा है, जो होने वाली परीक्षा है, जिसका जो संभावित डेट के रूप में डेट बताई जा चुकी है कि 9 और 10 जून को पेपर होना है, तो उसके लिए ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये टॉप 45 क्वेश्चंस दिए हैं। और हो सकता है कि एग्जाम में इन्हीं 45 में से कोई भी साइंस का क्वेश्चंस बनकर आपके सामने पूछ लिया जाए। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चंस हैं क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड, आपको याद रखना है कि लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है और इसकी जो खोज करता है वो प्रिस्टले है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और उसके जो खोज करता है वो प्रिस्टले है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः जो है वो मीथेन गैस होती है। तो याद रखना है कि गोबर गैस में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है उस गैस का नाम मीथेन गैस है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें दिया गया है कि कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो गैस मुख्यतः रूप में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में है, चमकने वाले और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। तो माचिस में जो प्रयुक्त होता है पदार्थ, जिस उसे हम फास्फोरस कहते हैं, तो माचिस में प्रयोग होने वाले पदार्थ का नाम जो है वो फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, को फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि फलों को पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम एसिटिलीन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। कार्बन विधि अपनाई जाती है। याद रखना है कि जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन विधि का यूज करके उनकी जो है वो आयु का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ के लालटेन मिट्टी के तेल में बत्ती किस कारण चढ़ जाता है। केशुकत्व के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर है केशुकत्व के कारण जो है वो उस पर बत्ती पर जो तेल है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर एट है, गोताखोर किस गैस के मिश्रण में से सांस लेते हैं। तो गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन और हीलियम की सहायता से सांस लेते हैं। वो जो उनका सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। भोपाल गैस के जो रिसाव हुआ था, जिसमें दुर्घटना हुई थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जल की शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध जल के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्षा की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो बायो जो डीजल होता है उसको बनाने के लिए रतन जोट जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रतन जोट है। तो आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज पता है आप लोगों की न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम न्यूटन है। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिलिक अम्ल होता है। जहाँ पर खट्टे पदार्थ का नाम होगा वहाँ पर एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही में पाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। मतदाताओं के हाथ में जो स्याही लगाई जाती है उसमें पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। पृथ्वी अक्ष पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कहाँ से कहाँ तक। तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण आता है। तो प्याज और लहसुन में गंध जो है वो पोटेशियम के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। रेंटोजॉन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो रेंटोजॉन ने एक्स किरणों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र की गहराई नापी जाती है जो है वो अल्टीमीटर के द्वारा नापी जाती है। इस समुद्र की गहराई नापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है वो अल्टीमीटर होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रीक ने। वाटसन और क्रीक ने ही हमें बताया था कि डीएनए के द्वारा हम व्यक्ति के पैतृक जो है उनके बारे में, माता पिता के बारे में पता चल सकता है। और ये जो डीएनए का संरचना का जो मॉडल दिया था वो वाटसन व क्रीक ने दिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व जो था वो यूरिया था। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व का नाम क्या है, तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व जो है वो यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज जो थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की जो है उसकी खोज की थी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर हड्डी होती है, जो आपकी जांघ में पाई जाती है वो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बी ट्वेल्व एक ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आँख से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो सबकी सब विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज मतलब कुत्तों के काटने से जो बीमारी होती है उसे रेबीज कहते हैं, और इसकी खोज जो जिस टीके की खोज जो की थी वो लुई पाश्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्स किरणें हैं ये विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है। एक्स किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, तो याद रखना है कि एक्स किरणें जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंद्रधनुष बनने का कारण आता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है वो इंद्रधनुष का बनता है, जिसमें 7 रंग हमें दिखाई पड़ते हैं वो कारण होता है अपवर्तन का कारण। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? काले कलर का दिखाई पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देगा, तो चंद्रमा से आकाश की तरफ देखने पर आकाश जो है वो काले कलर का दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है एसिटिलीन। जितने भी कच्चे फल हैं उनको पकाने के लिए एसिटिनिल अम्ल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। ये भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 35 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 था कि वायुमंडली दाब नापते हैं बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाभिकीय रिएक्टक में मंदक होता है। मंदक मतलब जो ऊर्जा निकलती है उसको रोकने के जो काम करता है उसे मंदक कहते हैं। और मंदक जो होता है वो भारी जल होता है। भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो D2O है। भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो D2O है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आतिशबाजी में लाल रंग होता है सेंटेंशियल के कारण। सेंटेंशियम जो होता है एक अम्ल होता है जिसके कारण जो है वो लाल रंग का हो जाता है, यह है स्ट्रॉन्शियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। बेरियम के कारण जो है वो आतिशबाजी में हरा रंग आता है, और लाल कलर जो आता है क्वेश्चन नंबर 39 में जब भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सेंटेंशियम के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। बी सी विटामिन जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है, एडेक जिसको कहते हैं हम लोग, ए डी ई के। ये जो ऐसी विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील विटामिन का नाम जो है वो बी सी है। क्वेश्चन नंबर 43 था कि पत्तियां हरी क्यों जाती? क्लोरोफिल के कारण। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 था, पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण। पेट्रोल जो होता है उसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग जो है वो रेड ब्लू एंड ग्रीन होते हैं, आर एन आर बी और जी, आर बी जी भी कह सकते हैं इनको, रेड ब्लू एंड ग्रीन, लाल नीला और हरा जो हैं ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो ये वो टॉप 45 क्वेश्चन जो थे जो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट ने लॉन्च किए हैं।
हो सकता है भविष्य में इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएं यूपी पुलिस में, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक इन 45 क्वेश्चंस को देखिए। वीडियो को कई बार आप बदल कर रिपीट करके देखेंगे तो ये 45 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखें, उन्हें लाइक करें, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ जिससे कि वो उन वीडियो से अपने आप को फ़ायदा दे पाएँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।